हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे लेगरेन्जे इक्वेशन फॉर होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक या फिर आप कह सकते हैं लेग्रेंजे इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम तो अपने लास्ट वीडियो में हम इस इक्वेशन तक पहुंचे थे जो क्या थी जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ लेग्रेंजे इक्वेशन ये क्या थी जनरल फॉर्म ऑफ लेग्रेंजे इक्वेशन जहां पे आपने देखा कि time derivative होता है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होता है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम जनरलाइज पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ओनली ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट अब देखिए यहाँ तक हमारी काइनेटिक एनर्जी की बात तो हो गई थी जहां पे हम टी को काइनेटिक एनर्जी से डिनोट करते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम टी से डिनोट करते हैं अब हमें पोटेंशियल की भी जरूरत है जो कहां से आती है जनरलाइज फोर्स से निकल के आती है तो केस वन में फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम जनरलाइज पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ओनली ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो जनरलाइज्ड पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है सिर्फ जनरलाइज जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है ठीक तो कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, मतलब तो है तो रिजल्ट तो किसका कितना आएगा हमारे पास जीरो आएगा अब नोट भी हमने लिखा है इट डज नॉट डिपेंड ऑन जनरलाइज वेलोसिटी अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल है वो सिर्फ q का फंक्शन है q डॉट का फंक्शन नहीं है इसलिए q डॉट के टर्म्स में अगर हम उसको डेरीवेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो अब देखिए जब हम जनरलाइज्ड पोटेंशियल की बात कर रहे थे तब तो हमने देखा था कि जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है क्यू जे इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल क्यू जे ये क्या था रिलेशन था तो अब इस क्यूजे की जगह हम क्या करेंगे इस पोटेंशियल की वैल्यू रिप्लेस करेंगे अब डी अपॉन डी टी डेल्टी डेल qj का डॉट माइनस डेल्टी अपॉन डेल इस qj की जगह हमने क्या वैल्यू रिप्लेस किया माइनस का डेल v अपॉन डेल हमने क्या रिप्लेस किया माइनस का डेल डेल qj जो हमें कहाँ से मिला जो हमें इन दोनों के रिलेशन से मिला तो अब जब हमारे पास ये टर्म आ गया हम इस टर्म को कहा लेके जाएंगे लेफ्ट में लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी डी अपॉन डी टी डेल टी डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी डेल क्यू जे प्लस डेल वी डेल क्यू जे इक्वल टू जीरो अब हमने इसमें क्या किया ये दोनों टर्म हमारे कॉमन थे तो हमने इसको कॉमन ले लिया और t माइनस v कर लिया हमने इसको क्या कर लिया t माइनस का v ये टर्म हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया अब देखिए d अपॉन डी टी अब इस इक्वेशन को समझना है आपने इस वाले इक्वेशन को क्या करना है समझना है अब इस साइड तो आपका टी माइनस भी आ गया मतलब टोटल एनर्जी आपके निकल के आ गई है टी आपका एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लेकिन ऐसा ही टर्म आपको इस इस साइड भी बनाना है। इस वाले टर्म पे तो आ गया है लेकिन इस वाले टर्म के लिए इस टी के साथ आपको वी चाहिए तो इसमें आप क्या करेंगे माइनस का डेल वी अपॉन जे माइनस का डेल वी अपॉन जे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे अब देखिए आप सोच रहे होंगे हमने ये ऐसे ही कैसे माइनस कर दिया ये जो टर्म है अभी हमने देखा ये जो टर्म है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है जीरो आती है तो आप जीरो को प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं किसी इक्वेशन में तो देखिए आपने यहाँ पे क्या किया डेल्टा वी अपॉन डेल क्यू जे का डॉट ये आपने क्या कर दिया इस इक्वेशन से माइनस कर दिया इस वाले टर्म से आपने इसको माइनस कर दिया आप इसको यहाँ पे इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू जीरो है तो आप आपकी इक्वेशन कंप्लीट क्या बन गई कंप्लीट इक्वेशन बनती है डी अपॉन डीटी इसमें भी आप क्या कर सकते हैं डेल अपॉन डेल क्यू जे का डॉट कॉमन ले लिया आपने डेल अपॉन डेल क्यू जे आपने कॉमन ले लिया यहां पे आपका बन गया टी माइनस वी और इस साइड पे भी आपका क्या बन गया डेल अपॉन डेल क्यू जे टी माइनस वी तो अब देखिए इस t माइनस वी को आपने क्या लिख दिया है l लिख दिया है तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू जीरो अब ये आपकी क्या है लेगरेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको आप क्या करते हैं सबसे ज्यादा बार जो आपके इस सिलेबस में यूज होगी वो यही इक्वेशन है जो हमने पहले पढ़ी थी वो हमारी जनरल इक्वेशन थी लेकिन ये क्या है आपके कंजर्वेटिव सिस्टम आप जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए होंगे इसलिए ये आपकी लेगरेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका आप सबसे ज्यादा यूज़ करने वाले और यहां पे जो ये एल है ये क्या है है ठीक है ये लेग्रेंजियन है जो किसके बराबर है, किसके बराबर है? अब है क्या लेग्रेंजियन इज अ डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट अब ये किस किस का फंक्शन है देखिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी आ रहा है इसमें और जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी आ रही है तो किस किस का फंक्शन है इट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोई किस किस का फंक्शन है इज इक्वल टू एल क्यू क्यू डॉट और टाइम ठीक एक बार दोबारा से इसे देखते हैं ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी लेगरेंजे इक्वेशन जहां पे क्यू क्यूजे हमारा क्या था जनरलाइज्ड फोर्स था और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमें पता है कि जो जनरलाइज्ड फोर्स है वो इसके इक्वल होता है तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और ये जो t है इसको हम क्या बनाना है इसको t माइनस वी बनाना है तो t माइनस वी बनाना है ये टर्म से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने इसको ऐसे कैसे माइनस कर दिया इसकी वैल्यू जीरो है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख पा रहे हैं अपनी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए तो ये आपने जब वैल्यू रखी तो आपकी जो इक्वेशन है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई अब हम देखते हैं केस सेकंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम केस सेकंड किसके लिए देखना है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए देखना है अब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो जनरलाइज्ड पोटेंशियल होता है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एज़ वेल एज़ जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन होता है आगे कंजर्वेटिव सिस्टम में हमने देखा जो पोटेंशियल था वो सिर्फ q का फंक्शन था अब यहां पे जो पोटेंशियल है वो q एज़ वेल एज़ q डॉट दोनों का फंक्शन है तो अब हमारा जनरलाइज्ड फोर्स किसके इक्वल होता है इस को आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में फिर से आपको क्या करना है पुट करना है जब आपने इस इक्वेशन इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस टी डेल क्यूजे इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल क्यूजे प्लस टी अपॉन डी टी वी अपॉन जे का डॉट अब आप इस वो राइट वाला जो टर्म था इसको आप सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा डी अपॉन डी टी टी डेल क्यूजे डॉट माइनस टी डेल जे प्लस वी अपॉन जे माइनस डी अपॉन डी टी डेलवी अपॉन डेल क्यूजे अब ये वाला और ये वाला टर्म आप टर्म साथ में लेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी डी अपॉन डी टी डेल्टी डेल क्यू जे डॉट माइनस डेलवी अपॉन डेल क्यू जे माइनस del अपॉन डेलक्यू जे माइनस डेलवी अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू जीरो ठीक अब आप इससे क्या करेंगे दोनों से आपने इसको कॉमन ले लिया अब इस वाले टर्म को आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो डी अपॉन डी टी डेल अपॉन डेल क्यू जे डॉट अंदर आपका क्या आ जाएगा टी माइनस वी माइनस डेल अपॉन डेल आपका आ जाएगा टी माइनस वी इज इक्वल टू जीरो और ये टी माइनस वी किसके बराबर होता है लेग के बराबर होता है तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई डी अपॉन डी टी डेल एल डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यूजे इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन जो है, ये क्या है इक्वेशन ऑफ है? सेम है इसका मतलब जो लेगरेंजी इक्वेशन है वो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए सेम है बस डिफरेंस कहां पे आएगा जब आप इस एल की वैल्यू पुट करेंगे एल की वैल्यू क्या है टी माइनस का भी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी तो आपको इक्वेशन में कोई चेंज नहीं दिख रहा लेकिन जब आप सिस्टम्स अलग अलग सिस्टम्स के लिए स्टडी करेंगे तो आपका वी अपने आप वहीं पे चेंज हो जाएगा तो ये क्या है लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम एक बार फिर से देख लीजिए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या था जनरलाइज पोटेंशियल वॉज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एज वेल एज जनरलाइज वेलोसिटी तो इसका जो रिलेशन होता है क्यूजे का वो ये होता है और ये हमारी क्या थी जनरल फॉर्म ऑफ लेगरेंजे इक्वेशन थी इस जनरल फॉर्म ऑफ लेगरेजी इक्वेशन में QJ की वैल्यू आप पुट करेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगी ये इक्वेशन मिलेगी ये क्या है लेगरेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बोले या फिर नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट बोले नॉन कंजर्वेटिव या फिर नॉन होलोनॉमिक ठीक तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इनके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे किसके एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के जो उनको डिस्कस करेंगे तो आपके सिलेबस में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं ये तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे अब हमने लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर होलोनॉमिक एंड नॉन होनोनॉमिक कंस्टेंट्स ये भी कंप्लीट कर दिया है इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें शायद पांच-छह वीडियोस लग जाएंगी जो है एप्लीकेशन और एग्जाम में भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा मतलब एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में यहाँ से जरूर आएगा एप्लीकेशन से तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले आप पढ़ते रहिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू